बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने अपनी डिस्कशन ये छोड़ी थी कि मैं चाहता हूँ कि हम इस मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे, यानी जहाँ पर प्रिसीजन भी मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारी प्रिसीजन भी बहुत अच्छी और रिकॉल भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छी लाइक परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरा फोकस यहाँ पर है कि मैं इस जगह पे पहुंचू। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? एक तो ये तरीका है कि जो रीफिट है ना, ये मैंने अपनी प्रिसीजन पे किया है, अगर मैं रिकॉल पे करूंगा तो रिकॉल पे चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस रिफिट के अंदर मैं कोई ऐसी चीज डालूं कि जहां से मैं दोनों कम्युनिटी में जा सकूं। तो वो क्या चीज है? ये बड़ी बेसिक सी चीज है कि मैं क्या कर लूँ कि मैं एक फंक्शन बना लूँ जो दोनों का मिनिमम कैलकुलेट करे और मैं वो फंक्शन इस रिफिट को पकड़ा दूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करता हूँ? मैं ऐसा करता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ ताकि या इससे थोड़ा ऊपर एक कोड में बना लेता हूँ यहाँ इधर। ओके, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना स्टार्ट करना चाहिए। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ डिफाइंड मिनिमम ऑफ रिकॉल या मिनिमम ऑफ प्रिसीजन रिकॉल। ठीक है, ये डिफाइन कर लिया मैंने फंक्शन अपना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी y एक्चुअल एंड y और y प्रिडिक्टेड पकड़ा दूँ। नहीं, प्रिडिक्टेड y, PR प्रिडिक्टेड y, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ P इज इक्वल टू डिसीजन स्कोर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ y कॉमा प्रिडिक्टेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, चलिए कोई बात नहीं, y कॉमा प्रिडिक्टेड y। ठीक है, और यहाँ पर मैं सब कम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आर रिकॉल में क्या है मेरे पास, रिकॉल यानी पी में हमारे पास प्रिसीजन स्कोर कैलकुलेटेड पड़ा होगा और आर में मेरे पास रिकॉल स्कोर ही कैलकुलेटेड पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। थोड़ा जहन में सोचिए क्या रिटर्न करवाना चाहिए, बड़ा सिंपल फंक्शन है, तो मिनिमम ऑफ बोथ पी कॉमा आर। ठीक है, बड़ा सिंपल और बेसिक फंक्शन है, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको रन करता हूँ, जी ये रन हो। अब मैं कहता हूँ कि रिफिट में मेरे लिए क्या डाल दो आप, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैं कैसे इसको यहाँ पे रिफिट कराऊंगा। देखिए, रिफिट का जो पैरामीटर ये कौन सी चीज लेता है, ठीक है, ये क्या लेता है हमारे पास ये। अब मैंने यहाँ पे प्रिसीजन लिखा है ना, प्रिसीजन हमारे पास कहाँ पे मौजूद था, स्कोरिंग में। अगर मैं यहाँ पे रिकॉल लिखता हूँ तो रिकॉल मेरे पास स्कोरिंग के अंदर मस्ट मौजूद होना चाहिए। तो पहले मुझे इसके लिए एक और यहाँ पे डिक्शनरी की एक और एंटिटी बनानी पड़ेगी, मैं उसका नाम रखता हूँ मिनिमम ऑफ बोथ। ठीक है, मैं इसको न्यू लाइन में करता हूँ ताकि विजिबिलिटी इसकी बेहतर हो। ठीक है, मैंने लिखा मिनिमम ऑफ बोथ और यहाँ पे बस नेक्स्ट स्कोरर को कहा कि भाई मेरे लिए ये फंक्शन का नाम मैंने इधर इसकी ब्रैकेट में दिया। ओके, तो ये इस तरह आ गया। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे लिए प्रिसीजन की बेस पे ना करो, मेरे लिए मिनिमम और बोथ की बेस पे ये काम करो। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास रन हो गया। अब इसको फिट करके चेक करते हैं, ये तो फिट ही नहीं हुआ, क्यों? और मल्टी स्कोरिंग तो फिर ओ यहाँ पे एक और काम है। देखें, यहाँ पर मैंने एक और काम करना है, वो ये करना है कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, मैं लिखी ग्रेटर ऑफ ग्रेटर इज बेटर इज इक्वल टू फॉल्स। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने रन किया, अब ये एरर आया। ठीक इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। मैं आप इस तरह करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मेक स्कोर। ठीक है, और मेक स्कोर में मैं इसी तरह करता हूँ, यही पास करा देता हूँ फंक्शन का नेम। ठीक हो गया, मैंने पास करा दिया, सिंपल इस जाए। ठीक हो गया, अब इसको पास कराने के बाद मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट एक और चीज लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
ग्रेटर इज बेटर। यहाँ पर मेरे पास ओके ये आगे। अब मैं यहाँ पे एक ये देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आगे ग्रेटर इज बेटर, ठीक है मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा ग्रेटर इज बेटर इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग लाएं, ग्रेटर इज बेटर कहीं पे ट्रू होगा कहीं पे फॉल्स होगा, यहाँ पर ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स? यहाँ पर फॉल्स इसलिए होना चाहिए क्यों, क्योंकि मैं मिनिमम यूज करना चाहता हूँ कि जहां पर इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस आए वो मुझे बताओ। अब मिसाल तौर पे कोई कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं दो चीजें और लाइक मिसाल तौर पे मैं कहीं पे एक्यूरेसी सिर्फ अकेली चेक करना चाहता हूँ, ठीक है तो वहां पर ग्रेटर इज बेटर को ट्रू होना चाहिए, मतलब लाइक वो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी वाली जगह ढूंढे एल्गोरिथम वो मेरे लिए उतना अच्छा है। ये मेरे लिए पैरामीटर सेट करने बड़े जरूरी होते हैं, इसलिए बड़ा जरूरी होता है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पर मिनिमम फाइंड करना है, या फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम लॉस फंक्शन देखते हैं कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में फर्क कितना है, तो वहां पर लॉस फंक्शन भी एल्गोरिथम जितना कम वाले पे पहुंचे वो उतना अच्छा है। खैर बस यहाँ पर ये कि चूंकि हम दोनों का मिनिमम फाइंड करें सिंपल लॉजिक अपने पास रखें, वो हमारे पास उसमें जितना कम हो वो उतना अच्छा है, इसलिए मैंने कहा ग्रेटर इज बेटर ना करो, उसको फॉल्स रखो। ठीक है अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरा मेक स्कोर चली और इसने बताया कि मैंने ये आपके लिए काम कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये तो वो तो ऊपर रन होंगे अच्छा आसान तरीके से। अब मैं इस पे इधर चेक करता हूँ, अब भी एरर आ रहा है, लेट्स सी रीफिट। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने लिखा है मिनिमम ऑफ बोथ। अच्छा अगर मैं ये मेरे लिए अगर ये खैर ये मिस्टेक मैंने पहले भी की थी, अगर आपके जहन में आ रहा है कि ये लिखे बगैर अगर ये हो जाएगा तो नहीं ये करना जरूरी है, मैं चेक कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये भी रन हो गया अपने, ये देखे मैं से अब ये मेरे पास रन होना शुरू हो गया, लेकिन अब ये क्या करेगा, जो मैंने इसको पैरामीटर्स डिफाइन किए उसकी बेस पे जाएगा। अब ये मिनिमम ऑफ बोथ हो जाए, यहाँ पे मैं आपको दोबारा तब तक थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, मैं चाहता था कि मेरे पास इस दोनों का मिनिमम पॉइंट आ जाए, तो अगर मैं रिफिट प्रिसीजन करता तो इधर जाता, रिफिट रिकॉल करता तो इधर जाता, ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जहां पर दोनों का बेस्ट है वो ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया, सिंपली किया फंक्शन डिफाइन किया और मैंने कहा कि भाई उसका मिनिमम रिटर्न करा दो, और फिर साथ में ये बताया कि मिनिमम बिल्कुल ग्रेटर इज बेटर एल्गोरिथम इस स्ट्रेटजी पे सर्च करे, ठीक है। और फिर मैंने सिंपली क्या किया, स्कोरिंग के अंदर उसको पास करा दिया, और फिर मैंने रीफिट के स्पेस पे किया मिनिमम ऑफ बोथ, बस सिंपल इज दैट इनफ। ओके सो मेरे पास ये रन हो गया, अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो मैंने ये मिनिमम ऑफ बोथ है इसको मैं प्लॉट करूं, तो मैं क्या करूंगा इसको सिंपली नहीं रन करता हूँ, अब देखते क्या इसमें तो मिनिमम ऑफ बोथ का प्लॉट बना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने उसे कहा ही नहीं है कि मेरे लिए बनाओ, तो मैं अब इसको ये मेरे ख्याल से पुराना है, मैं इसको जरा अपडेटेड खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ क्यों रिजल्ट्स में क्यों, जैसा मैंने स्कोरिंग में प्रिसीजन और रिकॉल दिया था ना, तो आप ग्रिड सर्च सीवी ने ऑटोमेटिकली उसके लिए मीन स्कोर जनरेट कर दिया था, तो अब मैंने मिनिमम ऑफ बोथ दिया तो इसका भी मीन स्कोर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये है मीन फिट टाइम, ये नहीं चाहिए मेरा, आ गया होगा आई गेस मीन टेस्ट रिकॉल है ये। ये है इंटेस्ट प्रिसीजन, यहाँ पे चेक कर दें,
ओ यस, मैंने अभी तक उसको भी अपडेट नहीं किया इसलिए नहीं आया। ओके सो ये मैंने हमारा फिट हो गया। अब मैं इसको वापस सारा अपडेट करता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें अपडेटेड आ जाए। ये भी मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बल्कि डेटा व्यूअर पे चला जाता हूँ, वहाँ पे सही आएगा। मैं कहता हूँ DF रिजल्ट्स में जाओ मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। मैं सर लास्ट में ट्राई कर, लास्ट में देखता हूँ क्या मेरे मेरे पास। मीन टेस्ट मिनिमम ऑफ बोथ, ये वो चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको प्लॉट करना है तो मैं पहले इसको बताऊंगा तो सही ना, अच्छा तुमने ये प्लॉट कर दो, ये प्लॉट कर दो, फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ तीसरा भी प्लॉट कर दो। मैं कहता हूँ मीन इसको कॉपी करता हूँ। इसको मिनिमम ऑफ बोथ, इसको भी मेरे लिए साथ साथ प्लॉट कर दो। अब द रिजल्ट चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास उस मुझे पॉइंट पे लेके जाएगा जहां पर दोनों का मिनिमम आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम जो चाहते थे हमने वो एग्जीक्यूट करा लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मिनिमम ऑफ बोथ का आता, ठीक है। तो हमने ये तरीका देख लिया कि कैसे हमने किस तरीके से हमने इसका मिनिमम ऑफ बोथ करना। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ और पैरामीटर जो मैंने आपको बताया था ना, मेक स्कोर वाला बात। अब हम उस मेक स्कोर को इंटरनली देखेंगे और हम देखेंगे कैसे हम विदाउट यूजिंग मेक स्कोर को यूज कर सकते, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।